दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारे चैनल की न्यू अपडेट्स सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं शॉकिंग म्यूजिक और एक्स्ट्रा बेस के और ख़रीदना चाहते हैं एक बेस्ट बजट म्यूजिक सिस्टम या एक होम थिएटर अपने टीवी के लिए तो इस वीडियो पर बने रहिए, ये वीडियो आप ही के लिए है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करके बताने वाला हूँ ड्रम्स के इन 5.1 ब्लूटूथ होम थिएटर का, जिसके साथ आपको देखने को मिलेंगे 5 एक्स्ट्रा स्पीकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जाकर उस लाल कलर के बटन को दबाइए और उसके बाद में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर है हमारा ड्रम्स का 5.1 ब्लूटूथ होम थिएटर। ये बॉक्स मैंने डायरेक्ट ड्रम्स की वेबसाइट से मंगाया है। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी परचेसिंग लिंक दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं अनबॉक्स। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कर देते हैं फास्ट फॉरवर्ड। आप देख सकते हैं इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छे से की गई है। वैसे आपको ड्रम्स की वेबसाइट पे और भी न्यू इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने निकाल दिया इसका प्लास्टिक। तो चलिए करते हैं इसे अनबॉक्स। सो फ्रेंड्स, बॉक्स के साइड में आपको देखने को मिलता है ड्रम्स की ब्रांडिंग और एक क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके डायरेक्ट ड्रम्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ड्रम्स का जो ये मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम है, ये आपकी LED TV, मोबाइल, लैपटॉप, PC के साथ ईजिली कनेक्ट हो सकता है। और इसके साथ आपको ऑक्स केबल, पेन ड्राइव सपोर्ट, SD कार्ड सपोर्ट एंड ब्लूटूथ का भी फीचर मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बॉक्स की दूसरी साइड देख सकते हैं। यहाँ पर आपको होम थिएटर का मॉडल नंबर और बॉक्स के अंदर की पैकेजिंग लिस्ट देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, चलिए ओपन करते हैं बॉक्स को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको बिल देखने को मिलता है और एक वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन स्पीकर्स का फर्स्ट लुक। इन स्पीकर्स के ऊपर आपको ब्लू रिंग देखने को मिलती है जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन स्पीकर्स को फुल्ली प्लास्टिक से रैप किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस स्पीकर को रख देते हैं वापस और देखते हैं इस बॉक्स के नीचे आपको क्या देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ आपको देखने को मिलता है एक यूज़र मैनुअल, एक रिमोट और एक ऑक्स केबल, जिस केबल को आप अपने TV या मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको रख देते हैं पहले साइड में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा सब वूफर और ये ज़रा हैवी वेट है। तो चलिए बॉक्स को कर देते हैं साइड में और निकालते हैं इसका प्लास्टिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सब वूफर का फर्स्ट लुक। देखने में काफ़ी सिंपल सा लगता है बट इसकी जो ब्लू रिंग है इसे ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। इसी के साथ यहाँ पर आपको कुछ बटन देखने को मिलते हैं जैसे वॉल्यूम बटन, पॉज बटन, मोड बटन। मोड बटन से आप किसी भी मोड में जा सकते हैं जैसे ब्लूटूथ मोड, FM रेडियो मोड या आपने ऑक्स केबल से TV कनेक्ट होगी तो आप उस मोड में भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीवियस और नेक्स्ट बटन मिलता है और यहाँ नीचे आपको देखने को मिलता है एक USB पोर्ट जिसमें आप अपनी USB या एक कार्ड रीडर कनेक्ट करके म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। और इन नेक्स्ट एंड प्रीव्यू बटन से आप अपना अगला या पिछला सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। और साइड में आपको यहाँ पर एक बड़ा स्पीकर देखने को मिलता है और पीछे की तरफ यहाँ पर आपको बेस कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है जिससे आप अपने होम थिएटर का जो बेस है वो सेट करके रख सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑडियो आउट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको अपने 5 स्पीकर कनेक्ट करने हैं और यहाँ नीचे की तरफ आपको ऑडियो इन ऑक्स का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आपको अपनी ऑक्स केबल लगानी है। ऑक्स केबल आपको होम थिएटर के साथ ही मिलती है।
केबल यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद जो ऑक्स केबल का दूसरा साइड है वो आप अपने मोबाइल या फिर टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ नीचे की तरफ आपको एक ऑन ऑफ स्विच देखने को मिलता है जिसका कोई यूज़ नहीं है, आप चाहें तो इसे ऑन करके रख सकते हैं और आप अपना मेन स्विच यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको ऑन ऑफ करना हो होम थिएटर। और ये है होम थिएटर का प्लग जिसे आपको अपने स्विच बोर्ड में कनेक्ट करना है। तो बॉक्स के अंदर आपको बस इतना ही देखने को मिलता है, तो चलिए ओपन करके देखते हैं स्पीकर्स को। सो फ्रेंड्स, स्पीकर की अगर बात करें जो स्पीकर्स हैं उनका लुक मेन होम थिएटर से काफ़ी मिलता जुलता है। आपको पीछे की तरफ एक होल देखने को मिलता है जिससे आप इन स्पीकर्स को वॉल पे लटका सकते हैं या फिर आप चाहें तो इन्हें नीचे भी रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए निकाल के देखते हैं स्पीकर्स का प्लास्टिक। यहाँ पर आप इन स्पीकर्स का लुक देख सकते हैं, जो इनकी शाइनिंग है उससे ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। आपको बीच में एक मेन स्पीकर देखने को मिलता है और पीछे की तरफ आपको यहाँ ओके टेस्टेड का स्टैम्प देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इन स्पीकर के सामने आपको ड्रम्स की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर जो बाकी के स्पीकर्स हैं वो भी एकदम सेम है इसकी तरह, पर इनमें से जो दो स्पीकर्स हैं उनकी जो वायर है लंबी है, पर बाकी के जो तीन स्पीकर्स हैं उनकी वायर थोड़ी छोटी है। तो चलिए इन स्पीकर्स को रख देते हैं वापस और कर देते हैं इस बॉक्स को साइड में। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको यहाँ पर मिलता है एक पैकेट, जिस पैकेट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर है यूज़र मैनुअल। तो चलिए ओपन करके देखते हैं इस पैकेट को। तो ये है हमारा यूज़र मैनुअल, नॉर्मली इसे कोई नहीं पढ़ता पर आप पढ़ के देख सकते हैं। इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिलती है प्लगिंग से लेके रिमोट से लेके हर चीज़ के लिए, तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। तो इसे रख देते हैं साइड में और इसी के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक ऑक्स केबल। ये जो ऑक्स केबल है आपको ये जो रेड और वाइट पार्ट है इसे होम थिएटर में कनेक्ट करना है और ये जो येलो पार्ट है इसे आप अपने टीवी में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये 3.5 mm ऑडियो जैक तो नहीं है बट आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ड्रम्स के होम थिएटर का रिमोट। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ड्रम्स की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको कर्व डिज़ाइन मिलता है जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और ये है हमारा IR ब्लास्टर और पीछे की तरफ आपको देखने को मिलता है दो सेल इंसर्ट करनी पड़ेगी आपको, दो छोटी सेल्स। और अगर बात करें आगे की तरफ की तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन मिलते हैं जैसे पावर ऑन बटन, म्यूट बटन और मोड बटन। मोड बटन से आप किसी भी मोड में जा सकते हैं जैसे ब्लूटूथ मोड, FM रेडियो मोड, मैंने आपको पहले भी बताया था जो बटन होम थिएटर में भी है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम प्लस एंड माइनस बटन मिलते हैं और फॉरवर्ड बैकवर्ड। नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है पॉज एंड प्ले बटन जिससे आप किसी भी ऑडियो को पॉज एंड प्ले कर सकते हैं अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो तो। और फ्रेंड्स, बाकी के जो ये नंबर बटन हैं इनसे आप सॉन्ग चूज़ कर सकते हैं अगर आपने USB कनेक्ट करके रखी है होम थिएटर में। सो फ्रेंड्स, बस ये है इसका रिमोट पीछे से और ये आगे से। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं स्पीकर्स को कनेक्ट होम थिएटर से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपने पांचों स्पीकर्स के वायर कनेक्ट करने हैं। आप यहाँ पर बाउंड्री देख सकते हैं, बाउंड्री के अंदर आपको पांचों स्पीकर्स के जो वायर हैं वो कनेक्ट करने हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमने हमारे पांचों स्पीकर कनेक्ट कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको अपनी ऑक्स केबल लेनी है और लेफ्ट वाली यहाँ पर और राइट वाली यहाँ पर लगानी है। आप कलर देख के लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो केबल है ये आप अपने टीवी या अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप या पीसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने लगा लिए इसके सारे कनेक्शन, अब देखते हैं इसका लुक। फ्रेंड्स, चलिए चेक करते हैं इसे प्ले करके। तो जैसे ही आप इसे ऑन करोगे आपको इसके बटन में ब्लू लाइट दिख जाएगी। तो चलिए करते हैं इसे रिमोट से ऑन। AUX मोड।
फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन मोड आ चुका है जिससे आप अपने टीवी कनेक्ट करके चला सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर है मोड बटन, इसे दबाने से मोड चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप आ गया है ब्लूटूथ मोड, आप इसके मोड रिमोट से भी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं ये आ चुका है ब्लूटूथ मोड में, तो इसे कनेक्ट कर लेते हैं अपने फ़ोन से। तो आपको बस अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना है और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबल डिवाइस में आ जाएगा अपना ड्रम्स, तो ये आ चुका है, इसे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से ये पैर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर साउंड आ चुका है पैरिंग का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है अपने डिवाइस से। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको सुनाता हूँ इस होम थिएटर की साउंड क्वालिटी। तो फ्रेंड्स अभी आपने सुना इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और इसकी जो वॉल्यूम है वो आप काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हो। और इस होम थिएटर के पीछे जो बेस का बटन है उसे आप अपने हिसाब से बेस कंट्रोल करके सेट करके रख सकते हो। मुझे तो इस मल्टीमीडिया होम थिएटर की आवाज़ काफ़ी हद तक अच्छी लगी, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसी लगती है। हालांकि फ्रेंड्स इस मल्टीमीडिया स्पीकर की जो साउंड क्वालिटी है वो आप अपने ईयरफोन के स्पीकर या अपने फ़ोन के स्पीकर से नहीं सुन सकते, बट फिर भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।